हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो जो जो लोग मेरी देख रहे हैं, होप आई एम श्योर पीसीओडी पेशेंट है, उनके घर में उनके सिस्टर को, उनकी किसी ना किसी पर्सन को पीसीओडी है, तभी ये वीडियो आप ओपन किए हैं। नाउ पॉइंट इज कि पीसीओडी केस में 90% केसेस में ऐसे देखती हूँ कि जिनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है, जो बिना मतलब के, बिना किसी बात के या छोटी सी बात का भी बहुत बड़ा इशू बनाकर एंगर में रहते, गुस्से में रहते हैं। नेक्स्ट, जिनका स्लीपिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा है। एंड थर्ड इज भूख भी नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, क्रेविंग इश्यूज बहुत हैं। कभी मीठा खाने की क्रेविंग है, कभी नमकीन खाने की क्रेविंग है, भूख नहीं भी लग रही बट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा है। ये सारा गेम है हॉर्मोन्स का और ये सारा गेम है ओवरथिंकिंग का, पुअर लाइफस्टाइल का, कभी भी कुछ भी खाना, नींद ना प्रॉपर करना, एंड उसका इक्वल टू हमारा रिजल्ट निकलता है पीसीओडी। पीसीओडी एक ऐसा दीमक है जो धीरे 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 बॉडी में गलाता है, और जब आप 45 क्रॉस कर जाओगे एंड तब तक भी आप अपना ध्यान नहीं रख रहे, वो तब आपको इम्पैक्ट दिखाएगा कि मैंने तुम्हारा क्या उखाड़ा है, क्या बिगाड़ा है शरीर में। जितनी फीमेल्स होती हैं, वो काफ़ी सारी इस तरीके की मैंने फीमेल्स देखी हैं अपने बैच में, अपने रेगुलर लाइफ में, सोशल मीडिया पे बहुत सारे केसेस स्टडी करें कि बहुत सारे लोग ना इसको बड़ा लीनियंट लेते हैं कि ठीक है यार, पीरियड्स नहीं आए, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, छः महीना, एक साल, इट्स ओके, बट इट्स नॉट एट ऑल ओके। सीरियसली, इट्स नॉट एट ऑल ओके। धीरे धीरे आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, आपका बात करने का है, गुस्से में रहना, आपका हॉर्मोन्स इतना ज़्यादा अनबैलेंस हो जाएगा कि आप थोड़ा मेनली लुक में आ जाओगे। आपके अनवांटेड हेयर आना, एक्ने, पिगमेंटेशंस रहना और स्कार्स रहना, एक्ने के हेयर फॉल, मैसिव हेयर फॉल हो जाना, आपके लोअर एब्डोमेन इतना ज़्यादा बल्कि दिखेगा, इतना ज़्यादा आप इतने इरिटेट रहोगे अपनी बॉडी से, किजे होए पूरे दिन आपको ऐसा लगेगा कि एक चमत्कार हो जाए राती रात में, मैं ठीक हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता। चमत्कार कहीं नहीं होता, आपको अपनी बॉडी पे वर्क करना पड़ता है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रगति का डाइट चार्ट। प्रगति पीसीओडी केस है एंड इनका ट्रांसफॉर्मेशन हमने इंस्टा पे डाला था, इतना ब्यूटीफुली इन्होंने वेट लॉस करा है एंड शिद्दत से डाइट करी है। बहुत सारे मेंबर्स हैं जो डाइट कभी करते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चलते हैं। जो बंदा डाइट कर रहा है, टारगेट पे आया, मेंटेनेंस पे गया, बात खत्म। अब बात करते हैं पीसीओडी केस में, समर्स हैं और समर के हिसाब से हमने डाइट इस तरीके से बना के मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जिन जिन लोगों को पीसीओडी केस मैसिव है, वो ये डाइट करके इजीली वेट लॉस कर सकते हैं, बहुत ही इजी। एंड मतलब कि आपके अपने पैसे सेविंग करने, आपने बहुत ही तरीके से और बिल्कुल सही टर्म्स में आपने आगे लेके चलना है, अपने आपको अपनी सेविंग करनी है, आपने अपने आगे करियर बिल्ड करना है। पीसीओडी का फाइट होगा, आपकी फिगर ठीक होगी, आप पतले होगे, आप आगे चल के अपने आप को ठीक करोगे। नाउ अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके का डाइट हमने लेना है और किस तरीके की चीज़ें हमने लेनी है ताकि हमारा पीसीओडी क्योर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये डाइट कर रहे हो, आपको बहुत लंबे समय से पीरियड्स नहीं आया या आपके पीरियड्स ड्यू हैं, वो शायद जल्दी आ सकते हैं, शायद हफ्ता लेट भी हो सकते हैं, शायद 10 से 15 दिन के अंदर भी आ जाए। सो इट्स लाइक बॉडी टाइप, डिपेंड करता है कि आपका क्या कितना केस है, बट ये फॉर श्योर है कि आपको पीरियड्स आएगा ही आएगा। अगर आप ये डाइट कंटिन्यू करते हो, एक महीना, 15 दिन, 20 दिन, आपको आराम से पीरियड्स आएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं डाइट, बट उससे पहले बेसिक चीज़ें, वेट चेक करना है डेली बेसिस पे, सुबह उठ के विदाउट क्लोथ्स ऑन योर बॉडी, डिजिटल वेइंग मशीन पे। अगर आपके बाउल मूवमेंट्स क्लियर नहीं है, जस्ट पास योर यूरिन, रिमूव योर क्लोथ्स एंड देन चेक योर वेट ऑन अ डिजिटल वेइंग मशीन। सेकंड इज, स्लीपिंग पैटर्न आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस एंजाइटी देने वाले लोगों को गेट आउट करना है आपने, बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं लेना। एंड जो लोग आपको नेगेटिव वाइब देते हैं, आप उनसे बहुत ही दूर रहो, कोसो दूर रहो, मैं यही करती हूँ, मेरा फंडा ही यही है बिल्कुल लाइफ का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, सिर्फ अपनी बॉडी, अपनी स्किन, अपने बाल, अपने बारे में सोचना, अपना करियर, दैट्स इट। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से, और मॉर्निंग ड्रिंक के लिए हम चलते हैं किचन में। ओके, अब हम बना रहे हैं मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक के लिए यहाँ पे मुझे चाहिए एक गिलास जितना नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, गर्म नहीं करना, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसके अंदर हम डालेंगे पिंच ऑफ जिंजर, अदरक, नेक्स्ट हाफ अ लेमन जूस, डाला हमने लेमन जूस। नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारा पिंच ऑफ अजवाइन, जस्ट 5 से 6 दाने। इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे एंड ये रहा हमारा मॉर्निंग का ड्रिंक। एंड इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लेंगे बिकॉज इस टाइम पे गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है।
वेलकम बैक। सो ये मॉर्निंग ड्रिंक का जो टाइमिंग रहेगा वो हमारा रहेगा 7 to 7:30 के बीच का। अब हम बनाते हैं ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के लिए हम चलते हैं किचन। ओके, नेक्स्ट हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए हम बना रहे हैं उपमा। सो उपमा के लिए हमें थोड़ी सी सब्जियाँ चाहिए। यहाँ पे मेरे पास है गाजर, शिमला मिर्ची एंड प्याज, और फटाफट सबको हम चॉप करेंगे। हम हाफ शिमला मिर्ची लेंगे, हाफ सारे बीज इसके निकाल देंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है बीन्स, इसके हमने कॉर्नर्स जो हैं, एंड्स जो हैं वो कट कर रखे हैं। सो हम ये सब्जियां अपने उपमे में डालेंगे, अब इनको चॉप करना है हमें। सो ये रहा हमारे पास एक अच्छा सा चॉपर, टाइम सेव कर देता है बहुत अच्छे से। इसके अंदर डाल दिया मैंने मेरी गाजर एक, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूँगी मेरी शिमला मिर्ची। ओके, डल गई। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं हाफ तोड़ के अपनी बीन्स भी डाल दूँगी। ओके, कूल। अब इसके साथ थोड़ा सा हम हाथों की एक्सरसाइज कर लेंगे। हियर वी गो। ओके, सो यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी चॉप की हुई सारी सब्जियाँ। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी आधी कटोरी जितनी सूजी। ये दो बंदों के लिए बन रहा है। सेम अमाउंट में मैं डाल रही हूँ ओट्स। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट। नेक्स्ट हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर। नेक्स्ट जीरा पाउडर। इसको खूब अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे पानी, दो कटोरी जितना पानी। उसको हम कुक होने देंगे सिम आंच पे फॉर एटलीस्ट 2 to 3 minutes। वेलकम जी। नाउ ब्रेकफास्ट में जिन जिन लोगों को उपमा खाने का बिल्कुल मन नहीं है वो कोल्ड सैंडविच ले सकते हैं। कोल्ड सैंडविच की बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पे हैं। अगर ये भी खाने का मन नहीं है आप किसी भी टाइप का स्टफ परांठा ले सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज हैं मेरे चैनल पे। ये भी खाने का मन नहीं है आप खिचड़ी खाना चाहेंगे अगर समर्स में, आप खिचड़ी की कोई भी रेसिपीज मेरे चैनल से पिक कर सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन जिन लोगों को लत है मिल्क टी एंड कॉफ़ी की। इस डाइट के अंदर आप डेयरी बिल्कुल अवॉइड करेंगे, ना मात्र जितना डेयरी लेंगे। अगर आपको दूध वाली चाय पीने की लत है उसको ख़त्म करो, आप आलमंड मिल्क या ओट मिल्क पे स्विच करेंगे। अगर आप बीमारियों पे इतना खर्चा कर सकते हो, जिम में इतनी फीसें कर सकते हो, अपने लिए आलमंड मिल्क और ओट मिल्क का खर्चा भी आप निकाल सकते हो, करेक्ट। सो अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। नाउ मिड ब्रेकफास्ट के टाइम पे ना बहुत सारे पीसीओडी केसेस ऐसे हैं जिनको ना शुगर की बड़ी सारी क्रेविंग होती है। अगर वो क्रेविंग उस समय नहीं रोकी गई देन चीट होने का 99.9% चांसेस होता है। सो हम मिड ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा स्नैकिंग ले लेते हैं जिससे हमारी क्रेविंग ही शांत हो जाए मीठे की, तो वो क्या है, चलते किचन। ओके, अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। नाउ मिड ब्रेकफास्ट में आ जाती है मीठे की क्रेविंग, स्पेशली पीसीओडी केस में। सो हमारे पास ये है डेट्स। डेट्स के अंदर हम लगाएंगे थोड़ा सा पीनट बटर, एंड एक बारी में हम 4 डेट्स खा सकते हैं पीनट बटर वाले। सो यस, उसके मैंने पहले सीड निकाल दिए। कोई भी पीनट बटर आप यूज़ कर सकते हो, मेक श्योर उसमें शुगर ज़्यादा ना हो, एंड अगर घर पे बना सकते हो बेस्ट है। मेरा एक घर का बना हुआ है। 4 खजूर और साथ में पीनट बटर। मिड ब्रेकफास्ट। अगर आपको मिड ब्रेकफास्ट में खजूर पीनट बटर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, आप कोई भी टाइप का लड्डू बना सकते हैं। मेरे चैनल पे बतेरी लड्डूज की रेसिपीज, आप उनमें से कोई भी पिक करेंगे अपने लिए बनाकर रखेंगे मिक्स एंड मैच करके मंथ के लिए, एंड वो आप स्टोर करके रखिए और बनाएं और खाएं। बट एक हफ्ते से ज़्यादा लड्डूज मत बनाना, गर्मी आए नहीं चलेंगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लंच की. नाउ लंच के अंदर ना मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ आपको टिक्कीज. नाउ टिक्कीज की बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पे है, 2 से 4 टिक्कीज आप उठाओ, वो सारी की सारी टिक्कीज जो है वो हाई प्रोटीन है. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे चैनल पे बहुत सारी सैलड्स की रेसिपीज हैं जो कि स्पेशली दाल सैलड, ब्लैक चना सैलड, व्हाइट चना सैलड, राजमा सैलड, लोबिया सैलड, ये सारी सैलड्स मेरे चैनल पे हैं. इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इनमें से कोई भी सैलड पिक कर सकते हैं एज पर योर चॉइस. बट मेक श्योर आप दालें लंच में ऐड करो ही करो, बिल्कुल करना. नेक्स्ट हम बात करते हैं इवनिंग टी की. नाउ इवनिंग टी में हम बनाएंगे शतावरी ग्रीन टी. शतावरी की इतने सारे बेनिफिट्स हैं स्पेशली इन पीसीओडी केस, जो मैंने बहुत अभी रीसेंट कुछ वीडियोस में मैंने मेंशन करा है. सो ये टी कैसे बननी है, चलते हैं किचन में. ओके, हम बनाने जा रहे हैं इवनिंग टी. इवनिंग टी हम बनाएंगे शतावरी ग्रीन टी. सो ये है शतावरी, अमेजोन पर मिलती है. इसकी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है एंड ये पीरियड्स के लिए पीसीओडी केस में बहुत अच्छे से काम आती है. अब यहाँ पे है मेरे पास पैन, इसमें मैंने पानी गर्म कर दिया है. इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी ग्रीन टी. मैं ले रही हूँ ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी. अब इसके अंदर मैं डालूँगी मेरी एक स्टिक शतावरी की और अब हम इसे बॉईल होने देंगे जब तक ये हाफ कप हो जाएगा. ओके, हमारी इवनिंग टी रेडी. ओके, इसके साथ आप कोई भी सीजनल फ्रूट, एप्पल, पियर, जामुन, बनाना ले सकते हैं इवनिंग में, या फिर अगर आपको मीठा खाने का मन नहीं है देन मखाना भुना हुआ विदाउट सॉल्ट. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिनर की. नाउ डिनर में ना मैं चाहती हूँ आपको थोड़ा सा ऐसा खाना देना जिसको भूख लगने वाले लोग भी जितने होते हैं कि जो ये बहुत भूख लग रही है उनकी भूख शांत हो जाए. सो यहाँ पे जो मैंने पनीर यूज़ किया है वो तोफू ही यूज़ करना आप. तोफू मेरे पास घर का होममेड पनीर था, मैंने वो यूज़ करा, बट आप लोग तोफू ही यूज़ करेंगे. डिनर में हम बनाते हैं पेठा पनीर की सब्ज़ी. और सच में बताऊँ, पेठा पम्पकिन का नाम सुन के मुँह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है, बहुत अच्छे से उसको खाया गया है. मैंने पर्सनली खा रही हूँ और ट्रस्ट मी, नींबू डाल के सब खाया जाता है. सो अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं. ओके, डिनर में हम बना रहे हैं पेठा एंड पनीर की सब्ज़ी. ये लिया हमने कुकर, कुकर में डाल दिया हमने थोड़ा सा ऑयल एंड नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले जीरा. नेक्स्ट पिंच ऑफ हल्दी पाउडर. ओके, अच्छे से हमने वॉश कर लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच जितना पानी. दैट्स इट. अब हम इसके अंदर डालेंगे जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट. अब इसको विसल लगवाएंगे 3. 1 विसल तेज आंच पे और 2 विसल सिम आंच पे. ओके, सो थोड़ा सा पानी रह गया है, हम पानी बिल्कुल सुखा देंगे. और अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारी होममेड पनीर 50 ग्राम्स जितना. और मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है 1 बिना बीज का. खूब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे एंड अब कर देंगे गैस को बंद. ओके, इसके अंदर हम थोड़ा सा लेमन डालेंगे. एंड हियर वी गो, इट्स रेडी. वेलकम बैक. नहीं खाने का मन, बिल्कुल खाने का मन नहीं है, छोड़ दो. दाल घिया, दाल पेठा मेरे चैनल पे और बतेरी सूप्स की रेसिपीज़ हैं. आप उनमें से कोई भी सूप पिक कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे एग सैलड की भी रेसिपीज़ है, एग भुजी की रेसिपीज़ है, वो भी पिक कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे चैनल पे बहुत सारी पनीर रिलेटेड रेसिपीज़ हैं. दाल पनीर है और बीन्स पनीर है, पनीर टिक्के की रेसिपीज़ है. आप इनमें से कोई भी रेसिपी पनीर की पिक कीजिए एंड इनमें से आप कोई भी अपने चॉइस के हिसाब से चूज़ कीजिए एंड अपना डाइट कंटिन्यू कीजिए. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की. नाइट ड्रिंक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सुबह के वेट में, सच बता रही हूँ आपको. मॉर्निंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक का ना बड़ा तगड़ा रोल होता है. जो जो लोग स्किप करते हैं उन्हीं लोगों का ना वेट जो है या तो अटकता है या फिर लूज नहीं होता या बड़ा हुआ दिखता है सुबह 300-400 ग्राम.
नाइट ड्रिंक क्या करेगा, आपको मॉर्निंग में अच्छे से फ्रेश करेगा, बहुत अच्छे से फ्रेशन अप करेगा। हाँ, पर आपने पूरे दिन में गंदपंद खाया है तो वो अलग बात है, आपने फाइबर प्रॉपर नहीं लिया, सैलड्स प्रॉपर नहीं डाले फ्रूट में, वो अलग कहानी है। बट नाइट ड्रिंक जो होगा वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा सुबह का फ्लश ऑफ करने में। सो यहाँ पे पीसीओडी केसेस है, पीसीओडी केस के लिए हमारा तेज पत्ता, अजवाइन, लौंग बहुत ज़्यादा अमृत जैसा काम करते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे अजवाइन टी और बहुत ही सिंपल है, कैसे बनाना है चलते हैं किचन। ओके, अब हम बनाने जा रहे हैं नाइट ड्रिंक। सोने से पहले वाली हमारी टी, हमारी ड्रिंक। यहाँ पे मैंने लिया पानी, पानी थोड़ा सा गर्म हो रहा है, इसके अंदर मैं डालूंगी जस्ट अ पिंच ऑफ अजवाइन, दैट्स इट। लाइक थोड़ा सा पिंच डालना है, आधा चम्मच जितना नहीं, एंड हम इसको बॉइल होने देंगे जब तक ये हाफ कप हो जाएगा। ओके, नाइट ड्रिंक इज रेडी। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं वाटर इनटेक की, पानी कितना लीटर पीना है इस पूरे डाइट के साथ। 3 से 4 लीटर का पानी पीना है। जिन जिन लोगों को लगता है कि उनका पीसीओडी जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरे पास एक केस है, मैं कभी लाइव आके आपको मेंशन करूंगी, 8 साल से उनको पीरियड्स ही नहीं आए, मतलब 8 ईयर से किसी पर्सन को पीरियड नहीं आए, मेनोपॉज का कोई केस नहीं है। ओह माय गॉड, मेरी जैसी डम, मतलब मैं अपने आप को डम बोलती हूँ, हाँ, बिकॉज मैं बड़ी ज़्यादा डम रही हूँ, मेरी जैसी बंदी ने अपने आप को ठीक करके यहाँ तक आ गई है। सो मेरे को लगता है कि कोई भी कर सकता है इस दुनिया में, कोई कोई कुछ भी कर सकता है। तो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड जिन जिन लोगों को पीसीओडी है, आप इधर उधर भटकने से अच्छा है आप कोई भी एक डाइट पिक करो, स्पेशली दिस डाइट पिक करो, एंड अपना वेट लॉस का जर्नी अपना आगे लेकर चलो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने आप को ठीक करो मेंटली, आप 90% ठीक हो जाओगे अगर आपका वेट लॉस होगा, आपके मंथली पीरियड्स जो साइकिल्स हैं वो टाइम पर आएंगे। अदरवाइज लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ तो भरी पड़ी हैं दुनिया में, लोगों को थायराइड हो रहा है, लोगों को पीसीओडी के साथ साथ शुगर भी बिल्कुल फ्री में आती है ना, जैसे बाय वन गेट वन फ्री वाला चीज़ है, तो यहाँ पे बीमारियाँ भी बाय वन गेट वन वाली चीज़ हो रही है। सो या दैट्स इट, सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।